नमस्कार, मैं हूं हर्षवर्धन और आप देख रहे हैं न्यूज एनसीआर का खास बुलेटिन, जिसमें हम नजर डालते हैं देश विदेश की बड़ी खबरों पर। तो शुरुआत करते हैं प्रदेश की बड़ी खबरों से। फरीदाबाद सेक्टर 28 मेट्रो स्टेशन के पास हुआ एक्सीडेंट, हुंडई कार और दो पहिया में हुई जोरदार भिड़ंत। जेजेपी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सांगवान का फरीदाबाद पहुंचने पर आज हुआ जोरदार स्वागत। ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन को अब मिलेगी नई सौगात, अब बनेगा 27 मंजिला कॉम्प्लेक्स। फरीदाबाद के क्रिकेटर राहुल तेवतिया का हुआ इंडियन टीम में सिलेक्शन, मोहल्ले में जश्न का माहौल। फरीदाबाद के सेक्टर 18 निवासी नंदिनी नारंग ने जीता दिल्ली स्टेट पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल। अब नजर डालते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। नई दिल्ली ने कोरोना वैक्सीन की 1,00,000 नई डोज मालदीव्स को भेंट की। ममता बनर्जी के भतीजे के घर पहुंची सीबीआई टीम, अभिषेक बनर्जी की पत्नी को दिया नोटिस। दिशा रवि ने कोर्ट में कहा, अगर किसानों का समर्थन देशद्रोह है तो जेल में रहना बेहतर है। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के नए मामले, पुणे में नाइट कर्फ्यू लगाने का प्लान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली में किया 26वें हुनर हाट का उद्घाटन। अब नजर डालते हैं मनोरंजन जगत की ओर। करीना कपूर दूसरी बार बनी मां, एक्टर ने दिया बेटे को जन्म। तमिल एक्टर इंद्रा कुमार का हुआ निधन, फांसी पर लटका मिला शव। दोस्त की शादी में अफगान जलेबी गाने पर जमकर फिरकी कैटरीना कैफ, वीडियो हो रहा है वायरल। अब रुक करते हैं खेल जगत की ओर। इंडिया वर्सेज इंग्लैंड टेस्ट मैच में चेन्नई की पिच पर सवाल उठाने वालों को स्टुअर्ट ब्रॉड ने दिया जवाब कि पिच में कोई खराबी नहीं। इंडिया वर्सेज इंग्लैंड टेस्ट मैच में पिंक बॉल के लिए प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को दिया है न्योता, अहमदाबाद जा सकते हैं सौरभ गांगुली। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की। अमेरिका के टेक्सास में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी सामने आई है, बेजुबान जानवरों को छोड़कर भाग रहे हैं लोग। फ्रांस में एक ही दिन में 21,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए, तो वहीं 328 लोगों की हुई मौत। आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें न्यूज एनसीआर।